आजसू के दो पूर्व मंत्री उमाकांत रजक और रामचंद्र सहिस आज झारखंड राजभवन पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात कर एसटीएससी को पदोन्नति में आरक्षण वाले बिल पर जल्द से जल्द अनुमोदन की मांग की है। दरअसल झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में एसटीएससी को पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने का बिल पास हुआ है, जिसके समर्थन में ही आजसू के दोनों पूर्व मंत्री राजभवन पहुंचे थे। रामचंद्र सहिस और उमाकांत रंजन दोनों नेताओं ने कहा है कि राज्यपाल से मिलकर हमने जल्द से जल्द बिल पर अनुमोदन की मांग की है। एसटीएससी को पदोन्नति में आरक्षण के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है, ऐसे में जब बिल पास हो गया है तो जल्द से जल्द यह राज्य में लागू हो और इसका लाभ झारखंड के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सरकारी कर्मचारियों को मिले। झारखंड राज्य में एससी एसटी वर्ग के जो कर्मचारी हैं उनके पदोन्नति में जो आरक्षण, वो बिल उस दिन विधानसभा से पास होता है। पास होने के बाद इस राज्य में जितने एससी एसटी वर्ग के कर्मचारी हैं, मैं काफ़ी खुशी की एक आशाएं हैं। लंबे संघर्ष के बाद झारखंड विधानसभा से पास हुआ है। हम लोग इस बिल को स्वागत करते हैं और आज हम लोग मिले थे उसी विषय को लेकर के, राज्य के महामहिम राज्यपाल जी से हम लोग मिले और उनसे वही आग्रह किए कि जो बिल आपके पास है आया है, अविलंब इसको अनुमोदन करते हुए सरकार को दिया जाए और ताकि वो बिल यहाँ लागू हो सके। और परिणामी जो प्रोन्नति है, वरीयता है, ये भारतीय संविधान में कहीं पिछले वर्गों का अभी तक जिक्र नहीं है। इस कारण से लोगों का लोकतंत्र में अधिकार है अपनी हक को मांगने का, अपना अधिकार को मांगने का, लेकिन अभी जो बिल 24 मार्च 2022 को आई है, ये बिल एससी एसटी के परिणामी वरीयता को के लिए आया है और हम सब लोगों ने इसको हार्दिक रूप से स्वागत करते हैं। और बहुत दिनों से, वर्षों से जो एससी एसटी के लोग प्रमोशन, इस परिणामी वरीयता के कारण जो प्रमोशन से पिछड़े रहे, आज के समय में उनको ये मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, इसलिए काफ़ी लोगों में खुशी और हर्ष है। हम लोग अपने राज्य से जुड़ी हर ताज़ा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।